आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टीडीएस और सेल ऑफ प्रॉपर्टी के केस में अगर एक ही सेलर है, मतलब बिल्डर सेलर है और दो बायर है, एग्जांपल लेते हैं हस्बैंड एंड वाइफ दो बायर है, तो उस केस में फॉर्म 26 क्यूबी कैसे भरना है, किन बातों का ध्यान रखना है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले, आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन किया हुआ है, एक सेलर और दो बायर है, ठीक है। तो पहले सेलर वाले नजरिए से हम सोच लेते हैं। सेलर एक है, एग्जाम्पल लेते हैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी वैल्यू है, ठीक है। टीडीएस कितना होगा? 1%, 1 लाख रुपए, ठीक है, ये क्लियर है आपको। अभी मतलब ये जो है बिल्डर है, ठीक है, बिल्डर का शेयर 100% हमेशा होगा क्योंकि सेलर तो एक ही है। तो ये जो 1 करोड़ पूरी अमाउंट है ये तो एक ही बिल्डर के पास जाने वाला है, ठीक है, तो इसका शेयर 100% रहता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत आती है बायर में, ठीक है। अभी बायर में एग्जाम्पल लेते हैं हस्बैंड है एंड वाइफ है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हस्बैंड और वाइफ को सोचना पड़ता है कि उनका जो शेयर है परसेंटेज वो कितना रहेगा, 80%, 20%, 50%, 50%, 40%, 60%, जो रहेगा वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। अभी कुछ लोगों का डाउट ये रहता है कि क्या हस्बैंड पूरा अपने नाम पे ले सकता है क्या? तो जी हाँ, ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ जो एग्रीमेंट आपने खरीदने का जो एग्रीमेंट बनाया हुआ है उसमें कोई शेयर रेशियो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हस्बैंड 100% ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा ये सजेशन हमेशा रहेगा कि अगर दोनों का नाम है तो आप कोशिश कीजिए कि वाइफ को भी कुछ परसेंटेज दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 100 का हस्बैंड का जो है वो मैक्सिमम परसेंटेज रखिए और वाइफ का स्मॉल परसेंटेज रख दीजिए, ठीक है। तो ऐसे आप बाइफर्केशन कर सकते हैं और दोनों का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं 100% करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप 100% कर सकते हैं। पूरा अमाउंट आप जो है अपने बैंक से टीडीएस का अमाउंट पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर वाइफ जो है वर्किंग है, अगर वाइफ वर्किंग है मतलब कुछ कमाती वगैरह है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको वाइफ के नाम पे भी देना है और आपके नाम पे भी देना है। क्यों देना है वो मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने प्रॉपर्टी खरीदा है तो डेफिनेटली आपने लोन वगैरह लिया होगा, ठीक है। तो अगर वाइफ कमाती है, ठीक है, और लोन पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वाइफ जो है वो भी इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकती है, प्रिंसिपल का डिडक्शन ले सकती है। हस्बैंड जो है वो भी प्रिंसिपल का डिडक्शन ले सकता है और जो इंटरेस्ट है उसका भी डिडक्शन ले सकता है। तो यहाँ पे डबल बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो आप चांसेस, अगर वाइफ भी कमाती है तो चांसेस ज्यादा ये रखिएगा कि दोनों में ही बाइफर्केशन कीजिएगा। तो आई होप आपको प्रॉब्लली क्लियर हो गया होगा कि कैसे बाइफर्केशन करना है। अभी देखते हैं शेयर शेयर कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल 90% है तो आप सीधा कैलकुलेशन कर सकते हैं, 1 करोड़ का 90% हस्बैंड के नाम पे जाएगा, 1 करोड़ का 10% वाइफ के नाम पे जाएगा। मतलब 90 लाख के बेसिस पे एक फॉर्म 26 क्यू भी भरा जाएगा जो हस्बैंड भरेगा और 10 लाख के बेसिस पे एक और फॉर्म 26 क्यू भी भरा जाएगा जो वाइफ भरेगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 80% है तो 80 लाख के बेसिस पे भरेगी, मतलब 1 करोड़ का 80% 80 लाख और ये 20% के बेसिस पे भरेंगे, ठीक है, 20 लाख के बेसिस पे। तो आई होप अमाउंट का बाइफर्केशन आपको समझ में आ गया होगा। ये 80 लाख के बेसिस पे ही भरना है आपको, 1 करोड़ भूल जाना है। 80 लाख के बेसिस पे आप हस्बैंड भरेगा, 20 लाख के बेसिस पे वाइफ भरेगी, टोटल यहाँ पे 1 करोड़ का अमाउंट आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी सवाल ये आता है कि फॉर्म 26 क्यू भी भरना कैसे है, ठीक है। तो उसको ऑलरेडी वीडियो बनाया मैंने कि टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर्म 26 क्यू भी आप कैसे भरेंगे, यहाँ आई बटन पे मैं लिंक कर दूंगा, डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है मैंने, ठीक है। अगर हस्बैंड और वाइफ भरना चाहते हैं तो हस्बैंड भी सेम प्रोसेस फॉलो करके भरेगा, वाइफ भी सेम प्रोसेस फॉलो करके भरेंगे। मतलब हस्बैंड अपना इनकम टैक्स का लॉगिन बनाएगा और फॉर्म 26 क्यू भी भरेगा, वाइफ अपना इनकम टैक्स का लॉगिन बनाएगी और फॉर्म 26 क्यू भी भरेगी, ठीक है। दो बार है तो मतलब दो फॉर्म 26 क्यू भी भरा जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप हमसे फाइलिंग करवाना चाहते हैं, फॉर्म को फिल कराना चाहते हैं, तो आप हमसे डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपका फॉर्म फिल करके देंगे। हमारा जो भी चार्जेस रहेगा वो हम आपको चार्जेस बता देंगे। ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलकर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।